हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या पेट में होने वाले दर्द से, यानी कि प्रेगनेंसी में जो हमारे पेट में दर्द होता है, उसे क्या हम जान सकते हैं कि गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है, और अगर हाँ तो कैसे, इसका क्या तर्क बनता है, कैसे हम जान सकते हैं, क्या ये प्रमाणित किया गया है मेडिकल साइंस के थ्रू। तो सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है काफ़ी पहले, आई थिंक आप लोगों को वो टॉपिक का वीडियो मिला नहीं है, इसलिए शायद आप क्वेश्चन करते हो। तो कृपया एक बार वीडियो टॉपिक भी सर्च कर लिया करो वीडियो सेक्शन में जाके। खैर, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि वीडियो सही लगे तो आप इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो हमेशा हमारे पेट में दर्द तो होता ही रहता है, हल्का फुल्का दर्द होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हर फीमेल का जो दर्द होने का तरीका अलग होता है, जगह अलग होता है। तो ऐसा माना जाता है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी में अगर पेट के राइट साइड में अगर दर्द होता है तो वो लड़की होती है, और लेफ्ट साइड में दर्द होता है तो लड़का होता है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग का प्रेडिक्शन है। तो ऐसा क्या सच में है और क्या इसको साइंस प्रमाणित करता है? साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सच्ची में गर्भ में जब बाएं साइड लड़का रहता है और दाएं साइड लड़की रहती है, ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी सर्विक्स बड़ी होती है, जहाँ बच्चेदानी बड़ा होता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, जब बेबी ग्रो करता है ना, तो जब घूमना शुरू होता है तो कभी वो आप बेबी का जो मुंडी होती है ना, कभी इस साइड राइट साइड में आपको दिखेगा, कभी लेफ्ट साइड में दिखेगा, क्योंकि बेबी मूव करता है ना। तो जब वो घूमता रहता है तो कभी ना कहीं उसका दबाव ज़्यादा पड़ता ही है, और जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो गर्भ पे हमारे दर्द होता ही होता है ना। तो इससे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे प्रिडिक्शन करते हैं कि लेफ्ट साइड में लड़का है या राइट साइड में लड़की है। तो ये किस हद तक सही है? देखिए, मेडिकल साइंस में इसको बिल्कुल भी नहीं मानते। मेडिकल साइंस इस बात के लिए स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसा कुछ होता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग का सिर्फ कहना है, ऐसा रियल में ऐसा होता नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि मैं एक बेबी बॉय की मॉम हूँ और मेरा बेबी पौने 3 साल का हो चुका है, और इस बारे में मैं बात कर सकती हूँ आपसे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मैं नहीं कहती कि सभी लोगों को ऐसा ही होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं कंसीव थी तो कंसीव के 7वें महीने से जब मुझे दर्द का एहसास होता था हल्का हल्का, हालाँकि स्टार्टिंग से ही दर्द था थोड़ा, लेकिन हल्का हल्का जब बच्चा बड़ा होता है, उसका प्रेशर किस साइड समझ में आता है, उसका एहसास होता था, तो मुझे पता चलता था कि मेरा बेबी ज़्यादातर एब्डोमिनल में, मुझे जो लोअर एब्डोमिनल है नाभि के एकदम नीचे, वहाँ पे वो मुझे महसूस होता था और वहीं पे मुझे दर्द होता था, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी लो लाइन में थी और बेबी मेरा एकदम नीचे था, नीचे की तरफ था, तो इस वजह से मुझे एकदम नीचे दर्द होती थी। अगर हम प्रेडिक्शन के ऊपर जाए तो मेरा बेबी पता नहीं लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेबी बेबी बॉय हुआ, और लड़की होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं प्रेडिक्शन से अगर अपने आप को देखूं तो प्रेडिक्शन मेरे ऊपर तो गलत है, गलत ही बोलूंगी, और हो सकता है कि किसी और के ऊपर ये प्रेडिक्शन सही हो, लेकिन ये मेडिकल साइंस ने इसको प्रूफ नहीं किया है, तो इसलिए इसको मत माने। और जो भी है, बेबी लड़का हो लड़की हो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों ही हमारे अपने बच्चे हैं, दोनों को ही प्यार करना है, दोनों से ही मॉम बनने का सुख मिलना है। तो उस इन सब चीज़ों को छोड़िए, बस आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, हेल्दी प्रेगनेंसी में रहिए, खुश रहिए, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहे, खुश रहे। आप खुश रहोगे तो आपका बेबी भी खुश खुश पैदा होगा, हमेशा हंसता हुआ पैदा होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मम्मा खुश रहें, घर के सारे परिवार खुश रहें। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैंने कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं, और मेडिकल साइंस ने क्या कहता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इन सब को लेकर ज़्यादा टेंशन में ना रहे हैं, जो है बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए,
इसके साथ ही साथ मैंने अपने वीडियो सेक्शन में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार उनको भी चेक कर लिया करो यार, मेहनत करके बनाते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।